हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कश्मीर से बहुल आने वाले अपने बयान को लेकर फंस गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने खट्टर के बयान की निंदा की है, तो दिल्ली महिला आयोग ने खट्टर को नोटिस तक भेज दिया है। दरअसल खट्टर ने कहा था कि अब हरियाणा के लोग भी कश्मीरी बहुल आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री ओपी धनखड़ कहते हैं कि बिहार से बहुल आएंगे, जबकि आजकल लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया है, अब हम कश्मीर से लड़कियां लाएंगे। इस बयान पर फेमस कवि कुमार विश्वास ने खट्टर के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि अपने प्रदेश में बेटियों को कोख में मारने दोगे, ओनर किलिंग होने दोगे और बहुएं कश्मीर से लाओगे, देश की बेटियों का नहीं तो कम से कम अपने पद और उम्र का तो लिहाज करो, ऐसी जहालत से क्या अपना बनाओगे पहले से शंकित कश्मीरी भाई बहनों को, अपना उपनाम अब बदल ही लो। हालांकि खट्टर अब अपने बयान पर सफाई देने उतर आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर बयान की पूरी वीडियो भी शेयर की है। खट्टर ने ट्वीट किया कि बेटियां हमारा गौरव हैं, पूरे देश की बेटियां हमारी भी बेटियां हैं। SPN 9 न्यूज़ के लिए मैं ब्रह्मांश यादव, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।